हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम संदीप सेन एंड आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस का। अगला जो हमारा क्रॉप है नॉन खोल, यानी कि गांठ गोभी नॉन खोल, जिसका बॉटनिकल नेम है ब्रैसिका ओलरेसिया, वेराइटी गोनगिलोट्स, फैमिली है क्रूसीफेरी, क्रोमोसोम नंबर है 20 = 18। गांठ गोभी एक विंटर सीजन क्रॉप है। बंद गोभी और फूल गोभी की तुलना में इसकी खेती बहुत कम क्षेत्र में की जाती है। गांठ गोभी को गंद गोभी, कैबेज, टर्निप या नोल खोल और जर्मनी में इसे कोहल रबी भी कहते हैं। इसे मुख्यतः इंडिया में कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र, आसाम, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दक्षिण भारत के कुछ भागों में उगाया जाता है। इसे कश्मीर और कर्नाटक निवासी बहुत पसंद करते हैं। इसका ओरिजिन है, गांठ गोभी का जो ओरिजिन स्थल उत्तरी यूरोप के समुद्र तटीय देश माने जाते हैं। नॉर्थन यूरोपियन एरिया जो है उसका ओरिजिन माना जाता है। आजकल उत्तरी यूरोप में गांठ गोभी की खेती या नोल खोल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। आमतौर पर इसे शहरों के समीप उगाया जाता है और इसे अधिकतर किचन गार्डनिंग में यूज़ किया जाता है, उगाया जाता है। न्यूट्रिशन वैल्यू या इम्पोर्टेंस, दिस कल्टिवेटेड ऑफ नॉब्स लीव्स आर आल्सो यूज फॉर कुकिंग इन इंडिया। इट इज कल्टिवेटेड इन कश्मीर, इट्स कल्टिवेशन इज लिमिटेड इन अदर स्टेट। लेट वेराइटी आर यूज एस एनिमल फॉर्डर। वेराइटीज, गांठ को नोल खोल की उन्नत किस्में उपलब्ध हैं। आमतौर पर इसकी उन्नत किस्मों का विदेशों से आयात किया गया है या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया गया है। इसका फर्स्ट वेराइटी किंग ऑफ नॉर्थ, प्लांट हाइट ओनली 20 to 30 cm, नॉब्स आर फ्लैटिश राउंड एंड डार्क ग्रीन इन कलर, कॉप्स कम्स टू मैच्योरिटी 60 to 75 days। इस किस्म जो है 20 से 3 cm तक ऊँचाई की होती हैं। इसके जो पत्ता लीव्स होते हैं वो गहरे हरे रंग के होते हैं। इसकी जो गांठें होती हैं, नॉब्स होते हैं, वो गोल और इसकी पत्तियां लीफ जो है लीफ सीथ बड़ी होती है और यह रोपण के 60 to 75 days 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। अगला जो वैरायटी है लॉर्न ग्रीन, यह एक कोमल स्वादिष्ट और सफ़ेद रंग की वैरायटी है जो 76 days के बाद इसकी जो फसल है वो तैयार हो जाती है। इस वेराइटीज़ को पश्चिम हिमालय के ऊंची पहाड़ियों में उगाया जाता है अधिकतर। इसका प्रति हेक्टेयर यील्ड जो है 225 से 250 क्विंटल उपज देती है, यानी 225 से 250 क्विंटल तक इसकी उपज है। अगला वेराइटी है वाइट वियना, इज एन अर्ली वेराइटी विथ अ ड्यूरेशन ऑफ 60 to 80 days, हेड्स आर स्लाइटली ओब्लॉन्ग एंड लाइट ग्रीन इन कलर। ये जो वेराइटी है वो सोइंग के 60 से 80 दिन में 60 to 80 days में तैयार हो जाती है और इसका जो हेड्स होता है वो स्लाइटली ओब्लॉन्ग और लाइट ग्रीन कलर की होती है और इसका जो उपज है यील्ड है वो प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल तक आती है। अगला जो वेराइटी है पर्पल वियना, ये जो है लिटिल ब्राइटल इनफ 80 to 90 मैच्योर, हेड स्लाइटली पर्पल एंड मीडियम साइज। ये जो वैरायटी है 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है, 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। और कुछ एक्स्ट्रा वैरायटी है जिसके अर्लीस्ट पर्पिल गोलित वाइट, अर्ली वाइट वियना, अर्ली पर्पिल वियना, क्योटो 3, ये सब कुछ वैरायटीज़ हैं इसके। अब देखते हैं हम क्लाइमेट, टेम्परेचर रेंज इज़ 10 to 20 degrees centigrade इज आइडियल, कंटिन्यूस हॉट वेदर इज डिटरमेंटल विच इंड्यूस नॉब डेवलपमेंट। जो नोल खोल ठंडे एवं आर्द्र मौसम की फसल है, शीतोष्ण क्षेत्रों में इसकी अगेती किस्मों में बोल्टिंग की समस्या पाई जाती है, जबकि उपकटिबंधीय क्षेत्रों में यह समस्या नहीं पाई जाती। रोपण के उपरांत उच्च तापमान से बोल्टिंग में विलंब हो जाती है। इसके सफल उत्पादन हेतु उच्चतम और निम्नतम तापक्रम क्रमशः 24 degrees centigrade से, जबकि मासिक औसत जो तापमान है 15 से 20 सेंटीग्रेड तक उपयुक्त मानी गई है। अन्य ठंडे मौसम की सब्जियों की तुलना में यह अत्यधिक ठंड और पाले को सहन करने वाली फसल है। सॉइल,
इट इज़ अ हार्डी वेजिटेबल कैन बी ग्रो वेराइटी ऑफ सॉइल हाउ एवर वेल ट्रेंड रेड लोमी सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर इट्स कल्टिवेशन पीएच वेरी 5.8 to 6.8। नोल खोल को बहुत विभिन्न प्रकार की जो सॉइल्स है उसमें उगाया जा सकता है, लेकिन जो उचित जल निकास वाली जिसका पीएच है 5.8 से 6.8 तक हो इसकी खेती के लिए उत्तम मानी है। अधिक जो एसिडिक या अधिक बेसिक सॉइल्स हैं इसके सफल उत्पादन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। भूमि की तैयारी, नोरखोल के उत्पादन के लिए जैसे हम कॉलीफ्लावर में भूमि की तैयारी किए थे, पहली जुताई, फिर कल्टीवेटर, फिर हैरो, फिर भूमि को लेवलिंग करना, फिर उस पर पाटा चला के मिट्टी को भुरभुरा करना, सेम ऐसा प्रोसेस नोरखोल में भी किया जाता है। मैन्यूरिंग ब्लैंकेट रिकमेंडेशन इज 160 and 40 kg पर हेक्टेयर। इंटर कल्टिवेशन कीप द फील्ड वीट फ्री। नोर खोल की पोषक तत्वों की आवश्यकता काफ़ी अधिक होती है, पर जो टेस्टिंग से पता चला है कि नोर खोल 20 टन उपज प्रति हेक्टेयर भूमि में 100 kg ऑफ नाइट्रोजन, 85 kg फॉस्फोरस एंड 170 kg पोटास देनी चाहिए, बट जो FIM है वो 10 to 15 टन, फॉस्फोरस 50 to 70 kg, नाइट्रोजन 100 से 120 kg और पोटास जो है 80 से 110 kg तक दिया जाता है। जो गोबर की खाद FIM है वो खेत की तैयारी के समय हम खेत के पूर्व तैयारी से पूर्व हम खेत में बिखेर देते हैं, उसके बाद आधी नाइट्रोजन और फास्फोरस की, जो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुलाई के समय हम डाल देते हैं। नाइट्रोजन की जो शेष जो मात्रा होती है उसको दो बराबर भागों में बांटकर, जो प्रथम भाग है वो 3 सप्ताह बाद और दूसरा है जब नॉप्स का डेवलपमेंट होने लगे या नॉप्स का निर्माण या बनने लगे उस समय देनी चाहिए। नाइट्रोजन और पोटास की अनुकूलता मात्रा देने से नॉप्स जो है वो अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट है जैसे बोरॉन, मॉलिब्डेनम और नाइट्रोजन की करीब अगर कमी हो गई तो ब्राउनिंग, विपटेल, बटनिंग, ये सब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमें फील्ड में देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए यूरिया 1.2 से 1.1 से 2% तक हमें छिड़काव करनी चाहिए। सामान्य सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है उसको अगर कमी हो रही है तो उसको देखना है। मल्टीप्लेक्स 0.2 से 0.3% घोल का छिड़काव। बोरान की कमी अगर हो रही है तो 10 to 15 kg बोरेक्स हम सॉइल में छिड़क सकते हैं, डाल सकते हैं। 0.3% बोरेक्स का जो मिक्सचर है वो भी हम छिड़काव कर सकते हैं, या फिर अगर अम्लीय मृदाओं में अमोनियम मॉलिब्लेट एट द रेट 200 to 300 ग्राम पर हेक्टेयर भी हम छिड़काव कर सकते हैं। बोआई नर्सरी डायरेक्ट सोइंग सीड रेट 2.5 to 3.5 kg पर हेक्टेयर। लैंड प्रिपरेशन बाय प्लाउिंग, हैरोइंग एंड क्रॉप ट्रांसप्लांटेड विद स्पेसिंग ऑफ 30 to 40 cm। स्पेसिंग प्लांटिंग टाइम वेरी फ्रॉम अगस्त टू नवंबर। डायरेक्ट सोइंग मेथड पे हमें 2 से 3 kg सीड जो है वो पर हेक्टेयर के लिए उपयुक्त मानी गई है। पौधरोपण हेतु 4 से 5 सप्ताह में तैयार हो जाता है। एक हेक्टेयर के लिए 2 से 4 kg तक सीड जो है वो पर्याप्त होती है। बीज बोने से पूर्व उसे टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर गर्म पानी में आधे घंटे तक उपचारित करते हैं, ट्रीट करते हैं। उसके उपरांत जो है बीजों को एपरेन 35 2 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से उसमें डाल के हम ट्रीट करते हैं और 1 वर्ग मीटर में 100 ग्राम NPK मिश्रण डालना चाहिए। इसके अलावा 2.5 से 4 केजी FIM की खाद भी उसमें डाल देनी चाहिए। नर्सरी में रोपाई के 1 सप्ताह पूर्व पौधशाला में पानी नहीं देना चाहिए। रोपाई जो गांठ नोल खोल की रोपाई जलवायु और भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है। आमतौर पर 25 cm × 25 cm या फिर 25 cm × 30 या 25 × 40, 30 × 4.45 cm, ये जो स्पेसिंग है उसके हिसाब से हम उसमें उसकी रोपाई की जाती है। यदि इसकी रोपाई अधिक समीप की जाती है, अगर पास पास इसकी रोपाई करेंगे तो जो नॉप्स है उसका जो साइज़ रहता है, उसका जो आकार रहता है, वो शेप रहता है, वो छोटा हो जाता है, छोटा रह जाता है और उपज अधिक प्राप्त नहीं होती। इरिगेशन, फर्स्ट इरिगेशन इज़ टू बी गिवन आफ्टर इमीडिएटली ट्रांसप्लांटिंग। जो पहला इरिगेशन है जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं फील्ड में उस समय देनी चाहिए, उसके बाद आफ्टर
वन इरीगेशन इज गिवन एवरी 10 to 15 डेज इंटरवल। फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर हमें फील्ड में इरीगेशन करते रहना चाहिए। यदि किसी कारण से खेत में फालतू पानी जमा हो गया तो उसके निकालने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण या वीड कंट्रोल के लिए खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशो या वीडिसाइड का यूज़ करते हैं, जैसे ट्रिफलेन, सिमरेन आदि जो है, या स्टाम्प या पेंडी मिथाइलिन, ड्रिफ्लोरिन, इन सब का छिड़काव हम 1 से 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से छिड़कते हैं। और जब पौधा 20 से 25 सेंटीमीटर जब हाइट का हो जाए तब हम उसमें अर्थिंग अप भी कर देते हैं। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन कॉलीफ्लावर। फर्स्ट है बटनिंग। दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल कर्ड। ये डिसऑर्डर का कैरेक्टर यह है कि इसका जो कर्ड होता है, जो नॉब्स की जो कर्ड होती है वो स्मॉल साइज, उसका डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाता, वो स्मॉल ही रह जाता है। बटनिंग में भी ड्यू टू ओवर रेंज सीडलिंग, पुअर नाइट्रोजन सप्लाई। अगर फील्ड में पुअर नाइट्रोजन सप्लाई या नाइट्रोजन की ठीक तरीके से हम सप्लाई नहीं करते हैं उस वजह से हो सकती है प्लांटिंग रॉन्ग कल्टीवर्स, या फिर हम गलत तरीके की किस्म यूज़ कर रहे हैं उस जो सॉइल में ना होती हो, उस अगर वो किस्म लगा दे तो भी हमें ये देखने को मिलती है। अगला है रेशिनेस। प्री मेच्योर इनिशिएशन ऑफ फ्लावर बर्ड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेशिनेस। रेशिनेस में जो फ्लावर बर्ड है उसका इनिशिएशन या डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, वो उसका कैरेक्टर है रेशिनेस का कि फ्लावर बर्ड इनिशिएशन नहीं होता, प्री मेच्योर इनिशिएशन होता है। पुअर क्वालिटी के जो मार्केटिंग के लिए हमें नॉप्स या नॉन खोल मिलता है। अगला है ब्राउनिंग। दिस इज कॉज्ड बाय बोरान डिफिशियंसी। बोरान डिफिशियंसी के कारण ब्राउनिंग जो डिसऑर्डर है वो होता है। इट अपीयर एज अ स्मॉल वाटर सॉक्ड एरिया इन द सेंटर ऑफ द कर्ड। लेटर द स्टेम बिकम हॉलो विथ सॉक्ड टिश्यू सराउंडिंग द वॉल्स ऑफ द कैविटी। तो इसके लिए एप्लीकेशन हम सॉइल में एप्लीकेशन करते हैं बोरैक्स या सोडियम बोरेट 20 kg पर हेक्टेयर इन अ केस ऑफ एक्चुअल डिफिशियंसी। स्प्रे ऑफ 0.2 से 0.50% बोरेक्स का सॉल्यूशन भी हम स्प्रे कर सकते हैं। अगला जो डिसऑर्डर है वो वाइप टेल। दिस इज रिजल्ट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मॉलीब्लेडेनम। ये जो वाइप टेल जो डिसऑर्डर होता है वो मॉलीब्लेडेनम की कमी के कारण होता है। सॉइल में या फील्ड में मॉलीब्लेडेनम की डिफिशियंसी जब हो जाती है तो उसकी वजह से होता है। द लीफ ब्लेड डू नॉट डेवलप प्रॉपरली एंड बिकम स्ट्रैप लाइक। जो उसके लीव्स होते हैं वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाते प्रॉपरली, एक स्ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसमें। हार्वेस्टिंग। डिपेंडिंग ऑन द वे ऑन द वेराइटी ऑफ 25 to 80 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग टेंडर नॉब्स बट फुली डेवलपमेंट नॉब्स शुड बी हार्वेस्टेड बिफोर दे बिकम फाइब्रस। हार्वेस्टिंग इज डन 1 to 3 times फॉर वीक। जो नोल खोल की कटाई उसकी किस्मों के ऊपर निर्भर करती है। वैसे जब गांठें जो उसमें नॉब्स हैं वो 5 से 7 centimeter मोटी हो जाए और उसमें रेशा रहित चमकदार हो तब उसको हार्वेस्ट करना चाहिए। प्रायः सप्ताह में वीक में 2 से 3 बार फसल की कटाई हम कर सकते हैं। बाजार भेजने के लिए मुख्य जड़ काट दी जाती है और पत्तियों को बांधकर जो नॉब्स का एक गट्ठर बना लिया जाता है। यील्ड अबाउट 20 to 30 tons। इसका जो उपज है, गांठ गोभी की उपज कई बातों पर निर्भर करती है, जिनमें भूमि की उर्वरा शक्ति, क्लाइमेट, उगाई जाने वाली किस्म और फसल की देखभाल। क्लाइमेट, उगाई जाने वाली किस्म यानी कि हम कौन सा वैरायटी उस फील्ड में ले रहे हैं, फसल की देखभाल हम किस तरीके से फसल की देखभाल करते हैं, कैसे केयर करते हैं, वो सब यील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। जो पछेती किस्मों से अगेती किस्मों की अपेक्षा अधिक उपज मिलती है, जो लेट वैरायटी है वो ज़्यादा उपज देती है या ज़्यादा यील्ड देती है, उसके अर्ली वैरायटी की अपेक्षा लेट वैरायटी जो है ज़्यादा यील्ड देती है। जो नोल खोल की जो औसत उपज है, एक एवरेज यील्ड है वो 200 to 240 quintals पर हेक्टेयर तक उपज मिलती है या 20 to 30 tons तक उपज देती है। स्टोरेज, अब देखते हैं इसका स्टोरेज। इट कैन बी स्टोरेज इन 3 to 4 days अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन
कोल्ड स्टोरेज कैन बी स्टोर्ड फ्रॉम मोर नंबर ऑफ डेज रैप्ड नॉप स्टोर वेल विथ बटर बेटर क्वालिटी कंपेरेटिवली अनरैप्ड नॉप्स। जो नोल खोल है उसको ऑर्डिनरी कंडीशन में 3 से 4 दिन तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये तो था इसका स्टोरेज। आज हमने देखा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ नोल खोल के बारे में, उसके ब्रॉटनिकल नेम्स लेके, उसके हार्वेस्टिंग प्रिपरेशन, नर्सरी प्रिपरेशन और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन कॉलीफ्लावर। सो थैंक यू।